सो आज मैं बताऊंगी इंडियन स्टाइल से पास्ता एंड मैक्रोनी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेना है पास्ता, उसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। थोड़ी देर उसे बॉईल करने के बाद जब वो पक जाए उसे आपको ऐसे बर्तन में ले लेना है जिससे सारा पानी निकल जाए और हमारा पास्ता एकदम ड्राई हो जाए। फिर हमें चाहिए होगा प्याज, टमाटर का पेस्ट, मटर, कटी हुई मिर्च और पास्ता मसाला। पास्ता मसाला ऑप्शनल है। सबसे पहले कढ़ाई ले लेनी है, उसमें तेल डालना है, फिर हमें कटी हुई मिर्च उसमें डालनी है, फिर उसके बाद हमें प्याज डालनी है। इन्हें मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर तक प्याज को ब्राउन होने देना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद हमें इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से थोड़ा पक जाए उसके बाद हमें इसमें मटर भी ऐड कर देने हैं। इन्हें भी अच्छे से मिक्स होने देना है और थोड़ी देर के लिए मटर को पकने देना है और इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर हमें इसमें नमक ऐड करना है, मिर्च पाउडर ऐड करना है और पास्ता मसाला ऐड करना है। पास्ता मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास पास्ता मसाला हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मटर भी ऑप्शनल है, अगर मटर भी हो तो आप डाल सकते हैं, हमने अपने टेस्ट के लिए डाला है। और इसे अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर हमें इसमें अपना पास्ता डाल देना है। पास्ता पे मसाला अच्छे से लग जाए उसके बाद हमें इसमें सॉस डाल देना है और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। और हमारा पास्ता रेडी है। अब सेम स्टाइल से हमने मैक्रोनी बनाई है। मैक्रोनी में हमने मटर नहीं डाले हैं और बस सेम स्टाइल से मैक्रोनी भी रेडी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।